श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर की घर में घुसकर परिवार के सामने हत्या। रह चुका था अंडर 19 कैप्टन। क्रिकेट की दुनिया से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। अंडर 19 में श्रीलंकाई टीम की कमान संभाल चुके धमिक्का निरोशन की हत्या कर दी गई है। उनके घर में परिवार के सामने ही हत्या की गई है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर धमिक्का निरोशन की मंगलवार रात को अम्बालागोड़ा स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस चौंकाने वाली घटना ने क्रिकेट समुदाय और श्रीलंका को शोक में डुबो दिया है। स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की है कि एक अज्ञात हमलावर ने निरोशन के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। तब वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ थे। हत्यारे ने निरोशन पर गोली क्यों चलाई, यह कारण अभी स्पष्ट नहीं है और संदिग्ध फरार है। अम्बालागोड़ा पुलिस फिलहाल अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी 12 बोर की बंदूक के साथ आया था। 41 वर्षीय निरोशन ने अंडर 19 स्तर पर श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2000 में सिंगापुर के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला। उन्होंने 2 साल तक अंडर 19 टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेला। उन्होंने 10 मौक़ों पर टीम की कप्तानी भी की। निरोशन दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के बैटर थे। 2002 अंडर 19 वर्ल्ड कप में निरोशन ने 5 पारियों में 19.28 के एवरेज से 7 विकेट झटके थे। निरोशन अपने करियर के दौरान अच्छे गेंदबाज थे। उन्होंने अंडर 19 के बाद घरेलू श्रीलंकाई टूर्नामेंटों में अपना क्रिकेट सफ़र जारी रखा। वह चिलाओ मेरियंस क्रिकेट क्लब और गॉल क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए भी नज़र आए। क्रिकेटर की मौत के बाद उनका परिवार सन्न है। ऐसा रहा धमिक्का निरोशन का करियर। धमिक्का निरोशन जोंटी के नाम से भी फेमस थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1983 को गॉल में हुआ था। उन्होंने कुल 12 फर्स्ट क्लास मैच खेले जहां उनके नाम 269 रन और 19 विकेट थे। वही 8 लिस्ट ए मुकाबले में उन्होंने 48 रन बनाए और 5 विकेट भी झटके। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।